दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों ये कहानी है एक सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर करण चोपड़ा की, जो काफी सारी सुपरहिट रोमांटिक और फैमिली फिल्में बनाने के बाद अब कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहता है। इसीलिए उसने एक हॉरर फिल्म बनाने का फैसला किया है। उसकी आने वाली हॉरर फिल्म हाईवे पर लिफ्ट मांगने वाली एक चुड़ैल के ऊपर है, जिसकी लगभग आधी स्क्रिप्ट उसने लिख ली है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस स्क्रिप्ट का एंड कैसे करे। तो फिल्म का एंड लिखने के लिए वो अपने खंडाला वाले बंगले पर जाने वाला है और अपनी टीम को उसके लौटने तक फिल्म के लिए हीरोइन का ऑडिशन लेकर फाइनल करने को कहता है और निकल जाता है खंडाला के लिए। अब दोस्तों रास्ते में करण से एक खूबसूरत जवान लड़की रिया अपनी कार खराब होने की वजह से लिफ्ट मांगती है। वो खुशी खुशी उसे लिफ्ट दे देता है। वो लड़की रिया करण को पहचानी नहीं जाती, बल्कि उसकी बहुत बड़ी फैन होती है। उसने करण की लगभग सारी फिल्में देखी हैं, कई फिल्में तो उसने कई कई बार देखी हैं, लेकिन करण की लास्ट फिल्म नहीं देखी। ऐसा क्यों? करण जब लास्ट फिल्म नहीं देखने का कारण पूछता है तो वो बताती है कि उसने एडवांस बुकिंग भी कराई थी, उसने टिकट भी खरीद रखे थे, लेकिन फिल्म देखने से पहले इसी रास्ते पर इसी टनल में उसकी मौत हो जाती है। यानी कि रिया एक भूत है। ये सुनते ही करण की डर के मारे हालत खराब होने लगती है कि उसने एक चुड़ैल को लिफ्ट दी है। लेकिन दोस्तों रिया बाद में दावा करती है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी, और करण भी नॉर्मल हो जाता है। दोनों बातें करते करते खंडाला पहुंच तो जाते हैं, लेकिन मौसम खराब हो जाता है, इसीलिए आंधी तूफान बारिश की वजह से करण रिया को अपने बंगलों में ले जाता है। अब घर में कुछ खाने को है नहीं, तो करण चौकीदार को खाना लाने के लिए बाहर भेज देता है। अब दोस्तों रिया वॉशरूम जाती है, तभी थोड़ी देर बाद बिजली चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर रिया अपने आप को भूत बताने लगती है कि उसकी मौत के बाद उसे अंधेरा ज्यादा अच्छा लगने लगा है। करण को लगता है कि वो फिर से मजाक कर रही है, वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन रिया यहाँ पर कुछ लॉजिक बताती है। जब उसने लिफ्ट मांगते समय कार खराब होने का कारण बताया था, तो क्या वहाँ पर कोई कार थी? करण को याद आता है कि नहीं, वहाँ पर तो कोई कार नहीं थी। रिया ने बताया था कि उसे खंडाला किसी अर्जेंट काम से जाना है, लेकिन खंडाला जाकर भी वो कहीं और जाने की जल्दी में नहीं है। क्यों? करण सोच में पड़ जाता है। रिया अपने मौत वाले दिन की कहानी सुनाती है कि उसने जिससे लिफ्ट मांगी थी उसने रिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और रिया के मना करने पर उसे चलती गाड़ी से फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। तब से वो उसी हाईवे पर ऐसे ठरकी लोगों से लिफ्ट मांगती है और उन्हें सबक सिखाती है। और आज करण ने भी अकेली लड़की समझ के रिया को अपने बंगले पर लाकर फायदा उठाने की सोची, चौकीदार को बाहर भेज दिया, इसलिए रिया आज करण को नहीं छोड़ेगी। करण को धीरे धीरे रिया की बातों पर यकीन होने लगता है, लेकिन जब बात करते करते रिया का चेहरा खून से लथपथ होने लगता है और उसकी आवाज बदलने लगती है, डरावनी हो जाती है, तो उसे पूरा यकीन हो जाता है और डर की वजह से वो फर्श पर गिर जाता है और सदमे से मर जाता है। लेकिन ये देखकर रिया घबरा जाती है और अपना मुखौटा उतार देती है जो नकली खून से सना हुआ था, और एक माइक्रोफोन निकाल देती है जिसने उसकी आवाज को बदलकर भूतिया बना दिया था, जिससे पता चलता है कि रिया कोई भूतनी नहीं है, वास्तव में वो करण से मजाक ही कर रही थी। वो घबराहट में रोती है। एक्चुअली वो करण की नई हॉरर फिल्म के लिए ऑडिशन देने की कोशिश कर रही थी और करण को अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस करना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि करण की तो पहले ही मौत हो चुकी। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।